हेलो गाइस, मैं हूँ NIBMS का स्टूडेंट और माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा पर आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा आयुष काउंसलिंग 2020 के बारे में। ओके गाइस, तो हरियाणा के आयुष काउंसलिंग 2020 का ऑफिशियल शेड्यूल क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ जो कॉलेज है वो कितनी है हरियाणा में BMS की, और रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, और कैटेगरी वाइज जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। ओके गाइस, तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिए। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के, वीडियो को एंड तक बने रहे। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हरियाणा की आयुष काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और उसको ऑफिशियल शेड्यूल और उसमें जो है कौन कौन सी कॉलेज जो है उनको अप्रूवल मिला है, और उन कॉलेज में जो है कितनी सीट्स है उसके बारे में, एंड जो है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है। ओके गाइस, तो इन सब के बारे में जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो क्या है। तो यहाँ से आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 से स्टार्ट हो चुके हैं, और 18 तक जो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी इन्होंने दे रखी है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने 11/1/2021 से 18/1/2021 के बीच में। ओके गाइस, और उसके बाद में जो जो कैंडिडेट एलिजिबल और इनएलिजिबल जो कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट है वो 19/1/2021 को जो है यहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ओके गाइस, उसके बाद में आपका जो ऑनलाइन जो प्रोविजल जो सीट है वो यहाँ पर जो रिलीज़ कर दी जाएगी वो 21/1/2021 को। ओके गाइस, तो 21/1/2021 को यहाँ पर जो है वो अपनी प्रोविजल जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 23/1/2021 को जो है अनाउंस कर देंगे। ओके गाइस, तो फाइनल आपका रिजल्ट जो है वो 23/1/2021 को अनाउंस होगा। उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट हो गए, तो कॉलेज में जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम पे, जो उसका टाइम आपको यहाँ पर दे रखा है 25/1/2021 से 27/1/2021 के बीच में। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवाने हैं जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी तो कॉलेज में जाके। ओके गाइस, तो ये तो था इसका ऑफिशियल शेड्यूल, और यहाँ पर देखते हैं अब कि कौन कौन से जो कॉलेज है उनको यहाँ पर अप्रूवल मिला है, और उन कॉलेज में जो है कितनी सीट्स हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं कि टोटल कितनी कॉलेज BMS की है और कितनी BHMS की है, और उनमें जो है टोटल कितनी सीट्स हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप इनको जो है एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना, इस कुछ पॉइंट है यहाँ पर दे रखे इनको आप एक बार जो है अच्छे से रीड कर लेना। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये चार कॉलेज है जिनको यहाँ पर मान्यता मिली है, इनको यहाँ पर अप्रूव मिला है। ओके गाइस, जिसमें से दो गवर्नमेंट है ऊपर वाले, एक तो श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज और एक श्री मारू सिंह, है ना। ओके गाइस, तो ये दोनों जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन इसमें से एक गवर्नमेंट कॉलेज जो है और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है, लेकिन ये श्री मारू जो कॉलेज है ये केवल गर्ल्स के लिए है। ओके गाइस, तो जो श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है इसमें यानी कि 63 सीट है, और श्री मारू इस कॉलेज में जो है 75 सीट्स है। ओके गाइस, जो कि केवल गर्ल्स के लिए है, और जो एक कॉलेज है ये भी केवल गर्ल्स के लिए है, लेकिन ये जो है प्राइवेट कॉलेज है BMS की। ओके गाइस, और इसमें जो है 50 सीट्स है, और BHMS की यहाँ पर एक ही कॉलेज है जो कि रोहतक में JR किशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ओके गाइस, जो कि रोहतक में एक ही यहाँ पर जो है BHMS की कॉलेज है जिसमें 50 सीट है। ओके गाइस, तो टोटल यहाँ पर केवल चार ही कॉलेज है जिसमें से बॉयज़ की केवल एक ही कॉलेज है श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, उसके अलावा और यहाँ पर किसी कॉलेज को जो है अप्रूव नहीं मिला है। ओके गाइस, और जो एक कॉलेज और एक गवर्नमेंट जो केवल गर्ल्स के लिए है, और एक प्राइवेट कॉलेज है वो भी जो है यहाँ पर गर्ल्स के लिए है। ओके गाइज, तो बॉयज़ के लिए यहाँ पर केवल 63 सीट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर एडमिशन होगा। ओके गाइज, तो एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पर जो जिसमें बॉयज़ जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने की संभावना है। ओके गाइज, तो देखो इसकी जो कट ऑफ रहने की संभावना, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा चार ही कॉलेज को अप्रूव मिला है जिसमें से तीन BMS की कॉलेज है, और उनमें से देखा जाए तो दो गवर्नमेंट कॉलेज है और एक प्राइवेट है, और वो प्राइवेट और एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो केवल गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए तो केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 63 सीट्स है। तो इसमें BMS की जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 5
90 प्लस मार्क्स। ओके गाइस, अगर इससे ऊपर आपके मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में तो आपको जो है एडमिशन मिलने का चांस है, आपको एडमिशन मिल सकता है। ओके गाइस, लेकिन इतने मार्क्स तो होने चाहिए क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाएगी। ओके गाइस, और उसके बाद में जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो 585 प्लस मार्क्स। ओके गाइस, तो ये ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ये रह सकती है 585 मार्क्स। ओके गाइस, अब बात करते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो रहने वाली है 470 प्लस मार्क्स। ओके गाइस, तो इतनी जो है वो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रह सकती है। ओके गाइस, और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रह सकती है वो 430 प्लस मार्क्स। तो इतनी जो है वो एसटी कैटेगरी की जो है वो कट ऑफ रह सकती है। ओके गाइस, तो ये तो थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बीएमएस कोर्स की। अगर आप बीएचएमएस कोर्स की बात करें तो उसमें भी केवल यहाँ पर एक ही कॉलेज है, तो जो जनरल कैटेगरी है उसकी रह सकती है यहाँ पर 480 प्लस मार्क्स, और ओबीसी कैटेगरी की रख सकती है 470 प्लस मार्क्स। ओके गाइस, और एससी और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रह सकती है एससी की रह सकती है 420 प्लस मार्क्स, और एसटी की रह सकती है यहाँ पर जो है 390 प्लस मार्क्स। ओके गाइस, तो ये है बीएचएमएस कोर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके गाइस, तो मैंने बीएमएस और बीएचएमएस दोनों की यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है। आप देख सकते हो कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके इसके अराउंडिंग मार्क्स हैं तो आपको जो है यहाँ पर कॉलेज अलॉट होने की चांस है। ओके गाइस, ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी चली जाए और हो सकता है इससे थोड़ी बहुत जो है वो कट ऑफ कम भी चली जाए। ओके गाइस, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके गाइस, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।